हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग. वेलकम टू द ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग सेशन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज. एंड आज का जो चैप्टर है दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स. तो क्या आप लोग रेडी हो इस अमेजिंग सेशन के लिए? और एक बार क्या मुझे जल्दी से बता सकते हो क्या कि मैं अच्छे से ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द अमेजिंग सेशन. तो बेटा आज इस सीरीज का डे है 7, ठीक है? और इसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बायोलॉजी की करेंगे. चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. मैं सभी क्वेश्चंस आपको इसमें से अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगी. एंड चलो शुरू करते हैं. तो जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहीं पर इस सेशन का PDF जो है वो आने वाला है, ठीक है? आ जाओ सभी लोग. एंड ये रहा चैप्टर 7. शुरू करें क्या? शुरू करते हैं आज का सेशन. जितना कम टाइम में मैं जितना ज़्यादा आपको करवा दूंगी, मुझे भी अच्छा लगेगा एंड आपको भी अच्छा लगेगा कि आपका टाइम बढ़िया वाला यूटिलाइज हुआ है. तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से. क्वेश्चन नंबर 1, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं ना बेटा हम. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल इज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ द इनर वॉल ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल? इनर वॉल ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल कौन बनाता है? गुड इवनिंग. तो जो अंदर वाली वॉल होती है ना, ये जैसे ब्लड वेसल है, इसकी इनर वॉल कौन बनाता है? इसकी इनर वॉल स्क्वैमस एपिथीलिया बनाती है. जो थिन फ्लैट सेल होते हैं इन्हें पेवमेंट एपिथीलिया और टेसलेटेड एपिथीलिया भी बोला जाता है. ऐसी एपिथीलिया यहाँ पर इसीलिए होती है ताकि जो डिफ्यूजन है गैसेस का वो जल्दी से हो जाए. तो फर्स्ट का आंसर हो गया है सी. क्वेश्चन नंबर 2, एडिपोज टिश्यू कौन सी टिश्यू की कैटेगरी को बिलोंग करता है? बताओ एडिपोज टिश्यू किसे बिलोंग करेगा? क्या ये एपिथीलियल को करेगा, मस्कुलर को, न्यूरल को? नहीं, ये कनेक्टिव टिश्यू को बिलोंग करेगा. ये फैट टिश्यू होता है, इसके अंदर स्टोर्ड क्या रहते हैं? इसके अंदर स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है? फैट स्टोरिंग है. और क्या करेगा बेटा? बिल्कुल. नेक्स्ट पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? तो बेटा मसल्स कनेक्टिव टिश्यू नहीं है. मसल्स जो आता है मस्क्यूलर टिश्यू की कैटेगरी में ही आता है, इसीलिए इट इज़ नॉट द कनेक्टिव टिश्यू. सेशन को लाइक कर दो बिल्कुल सभी लोग, अगर आंसर्स बढ़िया बढ़िया समझ आ रहे हैं तो. द क्लिटैलम इज अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द अर्थवॉर्म. क्लिटैलम कहाँ मिलता है? तो क्लिटैलम एक सर्क्यूलर बैंड होता है, ग्लैंडुलर नेचर का, यानी कि कुछ सिक्रीशन करता है. कहाँ पर मिलता है ये? तो ये जो मिलता है बेटा, ये मिलता है 14th to 16th सेगमेंट के बीच में, म्यूकस और एल्ब्यूमिन सिक्रीट करता है, ठीक है? तो यह आंसर हो जाएगा इसका बी. एंड आपको पता ही है कि अर्थवर्म क्या होता है, एनलीडा होद में आता है, और एनलीडा में मेटा मेरिज्म यानी कि सेगमेंटेशन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए. सीटे जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं अर्थवॉर्म को, लेकिन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते हैं सभी सेगमेंट्स में. कौन सी सेगमेंट में सीटे प्रेजेंट है आपको ये बताना है. सीटे किस सेगमेंट में प्रेजेंट है? तो जो सीटे है बेटा, ये जो प्रेजेंट होता है 20 to 22nd सेगमेंट में प्रेजेंट होता है. वैसे तो देखो अर्थवॉर्म के क्वेश्चन नीट में CBSE में आते नहीं थे, पर अभी नीट 21 के पेपर में ही अर्थवॉर्म के 2-3 क्वेश्चंस हैं, इसीलिए हम अर्थवॉर्म के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं. ज़्यादा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, कम पढ़ लिया तो गड़बड़ है, ठीक है? तो ये जो रहता है बेटा सीटे लोकोमोशन में हेल्प करता है, ये याद रखना. विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स ट्रू फॉर कॉकरोच? कॉकरोच के लिए क्या ट्रू है बताओ. तो कॉकरोच में जो एनल स्टाइल होती है वो किस में प्रेजेंट होती है? मेल्स में प्रेजेंट होती है, फीमेल में एब्सेंट होती है. तो 6th का जो करेक्ट है वो सी है. क्या कॉकरोच यूरियोटेलिक होते हैं? क्या कॉकरोच तो यूरिकोटेलिक होते हैं, ये तो इंसेक्ट होते हैं.
इसकी जो लार्वल स्टेज होती है क्या इसे कैटरपिलर बोला जाता है क्या? नहीं नहीं मैम, इसे तो निम्फ बोला जाता है। हर ओवरी के अंदर कितने ओवेरियोल्स होते हैं? हर ओवरी के अंदर 8 ओवेरियोल्स होते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? चलो अब आ जाओ, जरा मैच द कॉलम, जोड़ियां मिला लो। सेवेंथ पे आ जाओ, सेवेंथ पे आ जाइए। एडिपोज टिश्यू का भी अगर आपको आंसर पता होगा ना, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही सॉल्व कर लोगे। बेटा सेशन को शेयर कर दो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है कि सेशन चल रहा है। ठीक है, हाँ बाकी तो जो आंसर दे रहे हैं वो तो इतना बढ़िया दे रहे हैं कि धूम मचा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको एडिपोज टिश्यू का भी आंसर पता होता तो आप सही लगाते कि जो एडिपोज टिश्यू है वो फैट स्टोर करता है, एक्सेस न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम स्किन में होती है, प्रोटेक्ट करती है केमिकल मैकेनिकल स्ट्रेस से, हाइलाइन कार्टिलेज नोज में, एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज द ब्लड। चलो नेक्स्ट पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या है बताना है। बेटा जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा ना तो क्या करना, #any7done ये कमेंट करना कि हमने तो 7 चैप्टर आपके साथ कंप्लीट कर लिए। 7th नंबर का सेशन है आज इस सीरीज में, है ना, बाकी तो हम कर ही चुके, क्या बोलते हो? चलो इधर आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 8th पे आओ, धूम मचाओ कि जो हर्माफ्रोडाइट होता है उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम एनिमल में होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब बीच में लार्वा वार्वा नहीं बनेगा, डायरेक्ट अडल्ट ही बनेगा। कीमो रिसेप्टर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस को सेंस करते हैं, और ब्लड ग्लैंड जो होती है अर्थवॉर्म में वो ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगी, राइट बेटा? चलो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉकरोच से और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, आ जाओ जरा इधर, क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या आंसर हो जाएगा बेटा? जो फेलोमोर होते हैं वो एक्सटर्नल जेनिटीलिया होते हैं कॉकरोच के। गोनोफोर क्या होता है बेटा? गोनोफोर ओपनिंग ऑफ इजैक्यूलेटरी डक्ट। स्पर्मेटोफोर क्या होता है? बंडल ऑफ द स्पर्म्स और ओवेरियोल्स क्या होते हैं? चेन ऑफ द डेवलपिंग ओवा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बिल्कुल मैं सीक्वेंस वाइज चलूंगी, श्रिश सभी चैप्टर्स करवाऊंगी, इसकी चिंता नहीं है। टेंथ पे आ जाओ, टच से रिलेटेड कौन है, स्मेल से रिलेटेड कौन है बताओ, सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो जो टच है दैट इज सेंसरी पैपिले, स्मेल मतलब नेजल, क्रेनियल नर्व मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है ना नर्व्स, क्रेनियल नर्व स्पाइनल नर्व और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा फोरामेन मैग्नम। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब आ जाओ, MCQs हमने इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए। नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट वाकई में बहुत शॉर्ट है, अगर 10 मिनट मेरी बात अच्छे से सुनोगे तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है, स्टेट द नंबर ऑफ सेगमेंट इन अर्थवॉर्म विच आर कवर्ड बाय प्रोमिनेंट डार्क बैंड और क्लिटेलम। ठीक है, तो 3 जो होती है ना, 14th सेगमेंट, 15th सेगमेंट और 16th सेगमेंट, ये कवर्ड होती है डार्क बैंड से या क्लिटेलम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्लेराइट्स कॉकरोच में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो स्क्लेराइट्स एक्चुअल में हार्ड प्लेट्स होती हैं काइटिन की बनी हुई। ठीक है, कॉकरोच के जो सेगमेंट्स हैं उनको थिन और फ्लेक्सिबल तरीके से जो जोड़ने का काम करती हैं, तो ये हार्ड काइटिनस प्लेट्स होती हैं जो इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होती है सेगमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कितने टाइम मोल्ट करता है निम्फ एडल्ट बनने के लिए? तो ये जो मोल्टिंग होती है 13 times मोल्ट करता है ताकि एक निम्फ क्या बन जाए, अडल्ट कॉकरोच बन जाए। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फ्रॉग इन विच साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स आर प्रेजेंट। साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक सिर्फ और सिर्फ मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं। टर टर मतलब मेल ही कर रहा है बेटा। ठीक है, ये
आवाज़ लगाने के लिए या फिर वॉइस प्रोड्यूस करते हैं अपनी फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये फीमेल में एब्सेंट होते हैं. नेम द प्रोसेस बाय विच टेडपोल डेवलप्स इनटू अडल्ट फ्रॉग. ठीक है, तो टेडपोल जब एडल्ट फ्रॉग में डेवलप होता है तो इसका जो कन्वर्जन है ना, इसे क्या बोला जाता है, इसे मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 6, साइंटिफिक टर्म गिवन टू अर्थवॉर्म्स बॉडी सेगमेंट. अर्थवॉर्म के बॉडी सेगमेंट को क्या बोला जाता है? तो अर्थवॉर्म अभी ही बताया था मैंने बेटा कि एनलीडा होता है. एनलीडा के जो अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें मेटामर्स बोला जाता है, और इस सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म बोला जाता है जब बॉडी इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है एंड देर इज रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन. ठीक है, नेक्स्ट, मसल फाइबर टेपर्स एट बोथ एंड्स. मसल फाइबर एक ऐसी होती है जो दोनों एंड पे ऐसे टेपर करती है, और इसमें स्ट्राइशंस मतलब ऐसे बैंड्स प्रेजेंट नहीं है. तो ये कौन सी मसल फाइबर है? तो ऐसी मसल फाइबर को हम स्मूथ मसल फाइबर बोलते हैं, जिसमें ये एंड जैसे टेपर है बेटा, है ना, पीसी फॉर्म शेप्ड के हैं और कोई स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं है. ये इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं जो हमारे विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं. कौन कौन से सेल जंक्शंस हमारी टिश्यूज़ में दिखते हैं, इनका सिर्फ आप लोगों को नाम ही बताना है. कौन कौन से दिखते हैं बेटा? अडहेरिंग जंक्शंस दिखते हैं जो सीमेंटिंग मटेरियल की तरह पकड़ के रखते हैं दो सेल को, गैप जंक्शन जो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, और टाइट जंक्शन जो लीकेज नहीं होने देते हैं. ऐसे दो सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं. दो फीचर्स बताओ एडल्ट मेल फ्रॉग को पहचानने के लिए. जैसे मैंने तुम्हारे सामने एक मेंढक रख दिया, कैसे पता करोगे कि मेल है कि फीमेल है? तो दो चीज़ें होती है बेटा कि जो मेल फ्रॉग होता है ना उसके पास वोकल सैक्स दिख जाते हैं, है ना. तो मेल फ्रॉग में क्या होगा, वोकल सैक्स होंगे जिससे वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे अपनी फीमेल को बुलाने के लिए, और कॉपुलेशन पैड भी सिर्फ फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं, मेल फ्रॉग में फर्स्ट डिजिट में, जो पहली डिजिट होती है ना आगे फोर लिंब की, उसमें, फीमेल में एब्सेंट होते हैं ये. नेक्स्ट, विच माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच इज कंपेरेबल टू आर टंग. जैसे हमारे पास टंग है वैसे कॉकरोच के पास क्या है? तो वैसे बेटा कॉकरोच के पास क्या होता है, वैसे कॉकरोच के पास हाइपोफेरिंग्स होता है, जो माउथ का पार्ट है टंग की तरह काम करता है. अब आपको बताना है कि ये फ्रॉग के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के पार्ट दिए हैं आपको, इनको बिगनिंग से लेके, है ना, माउथ जहाँ से शुरू हुआ है आखिरी तक इस डाइजेस्टिव सिस्टम को बताना है. फीमेल में वोकल सैक एब्सेंट होते हैं विकास. ठीक है, चलिए 11th पे आ जाइए. तो सबसे पहले शुरू में क्या आता है, माउथ, फिर आती है बकल कैविटी, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर क्लोका, फिर क्लोकल अपर्चर. तो ये इस सीक्वेंस में जो है माउथ, जो ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट पे आ जाओ, क्यूटेनियस और पल्मोनरी रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो स्किन से किया जा रहा है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो किससे किया जा रहा है, लंग्स से किया जा रहा है. ठीक है, क्यूटेनियस उन्हीं के पास होता है जिनकी स्किन मॉइस्ट होती है या वो पानी में रहते हैं, लेकिन जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है वो उनमें देखा जाता है मेनली जो लैंड पर रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ, कुछ स्पेशल टाइप का वीनस कनेक्शन है लिवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में, और किडनी और इंटेस्टाइन के बीच में फ्रॉग में, इसे क्या बोला जाता है. तो जो लिवर वाला कनेक्शन है, तो लिवर मतलब हिपैटिक, तो इसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोला जाता है, और किडनी यानी कि रीनल, तो इसे रीनल पोर्टल सिस्टम बोला जाता है. इस तरीके से हमने पूरे वेरी शॉर्ट आंसर्स भी कंप्लीट करे. अब हम शॉर्ट आंसर्स की तरफ चलते हैं और शॉर्ट आंसर्स को भी कंप्लीट करते हैं. इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बेटा जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छी तरीके से. लोकेशन बता दो हिपैटिक सीके की कॉकरोच में. तो हिपैटिक सीके को
गैस्ट्रिक सीके भी बोला जाता है, कितने होते हैं, 6 से 8 होते हैं, नैरो यानी कि सकड़े सकड़े, हॉलो यानी कि खोखले, ब्लाइंड ट्यूब्यूल मतलब एक तरफ से पैक्ड होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फोर गट और मिड गट का जो जंक्शन है वहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं कॉकरोच को, है ना, कॉकरोच को किस में हेल्प करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करने में। फ्रॉग्स बेनिफिशियल है मैनकाइंड के लिए, एक फ्रॉग तुम्हारा फ़ायदा कैसे कर सकता है ये बता दो, फ्रॉग कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, तो फ्रॉग हमारे लिए फूड चेन बनाता है, इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फ्रॉग उन इंसेक्ट को खा जाता है जो हमारे क्रॉप्स को हार्म कर रहे हैं, तो हमें हमारे क्रॉप को बचा रहा है ना, इंसेक्टिसाइड्स हमें यूज़ नहीं करने पड़ रहे, फूड चेन बना रहा है, ठीक है। और इनफैक्ट जो लेग की जो मसल्स होती है ना वो खाते हैं कोई कोई लोग, तो इस तरीके से फ्रॉग हमारी मदद कर रहा है। स्पॉन्ज की बॉडी में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लेकिन वो हज़ारों सेल्स का बना है, इस बारे में डिस्क्राइब कीजिए। तो जो स्पॉन्ज होता है यानी कि पॉरीफेरा, उसका जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, इट इज़ लूज सेलुलर एग्रीगेट, मतलब सेल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन ये टिश्यूज नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको बताना है, तो स्पॉन्ज में सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल नहीं है, बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन वो लूजली अरेंज्ड हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है एक टिश्यू बनाने के लिए, इसीलिए उसको टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है एनिमल में डिफरेंट लेवल पे, जैसे है सेल है, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू, फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, तो वो बोल रहा है सेल ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम में क्या मिसिंग है, तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ये मिसिंग है, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब सब जुड़ जुड़ के कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ बना रहे हैं, ये इसका इम्पोर्टेंस है, ताकि डिवीजन ऑफ लेबर हो जाए, बॉडी पूरी सपोर्टिव हो जाए, ठीक है। इस तरीके से अपन लिखते हैं इसको, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियल सेल, स्ट्रेटिफाइड मतलब बहुत सारी लेयर ऑफ सेल्स हैं, तो जो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियल सेल्स होती है उनका सिक्रीशन में रोल नहीं है, सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में, उनका जो मेन रोल होता है वो किस में होता है, प्रोटेक्शन में होता है। जैसे हमारी स्किन पे स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम होती है जो हमें केमिकल स्ट्रेस या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाने का काम करती है। गैप जंक्शन किस में मदद करता है, तो ये दो सेल है, इन दो सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसमें हेल्प करता है गैप जंक्शन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स वगैरह को, आयंस को इधर से उधर जाने में हेल्प करेगा, राइट। तो गैप मतलब इसको ऐसे याद रखना, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, उस तरीके से एक साइटोप्लाज्म से दूसरी साइटोप्लाज्म में कम्युनिकेशन में और ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस में हेल्प करता है। ब्लड बोन कार्टिलेज को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है, तो उस किसी भी चीज़ को हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं जो बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में, कनेक्शन में, इन सभी चीज़ों में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बाइंड कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन को, स्ट्रक्चर, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ये सब कर रहे हैं, इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू है। न्यूरॉन्स को एक्साइटेबल सेल्स क्यों बोला जाता है ना, न्यूरॉन्स को एक्साइटेबल सेल्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उनमें एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रहता है, है ना। आयंस प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इनका जो मूवमेंट होता है ना, और चार्जेस का जो ट्रांसफर होता है, इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है न्यूरॉन में, और इसीलिए ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। ये नर्व इम्पल्स को इनिशिएट कर सकते हैं, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दे सकते हैं, इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसीलिए इसे एक्साइटेबल सेल्स बोलते हैं। अर्थवॉर्म इज नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर, अर्थवॉर्म फार्मर का फ्रेंड क्यों है, ठीक है। तो अर्थवॉर्म फार्मर का फ्रेंड इसीलिए है क्योंकि ये क्या करता है, वर्मी कंपोस्ट सुना है आपने, ये क्या करता है बेटा, जितना भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जितना भी डेट्रियस है, उसको फ्रेगमेंट करने में,
और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को छोटे छोटे पार्ट में करके उसे मैन्योर में कन्वर्ट करने में, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में, सॉइल को लूजन करने में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर आ पाए और रूट्स रेस्पिरेशन कर पाए, उसमें फार्मर्स की मदद करता है। इसीलिए अर्थवर्म किसका फ्रेंड है? फार्मर का फ्रेंड है। लूजनिंग ऑफ सॉइल, एरेशन, एंड दूसरा मेन्योर बना के फ्रेगमेंटेशन करके फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को बढ़ा रहा है। डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है बेटा। पीछे वाला जो मेरी बैक है वो डॉर्सल है और ये आगे वाला जो पार्ट है ये वेंट्रल है। ठीक है, तो जो डॉर्सल सरफेस होता है ना अर्थवर्म का और वेंट्रल सरफेस होता है अर्थवर्म का, पीछे वाला आगे वाला, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो इसके पास डार्क लाइन होती है डॉर्सल के पास, है ना? तो डार्क लाइन जहाँ पर है वो डॉर्सल है और लाइट लाइन जहाँ पर है वो क्या है? वेंट्रल है। चलो, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। अर्थवर्म में सिंगल मेल जेनिटल पोर इज प्रेजेंट, पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर होता है, इसीलिए स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। सीटे लोकोमोशन में हेल्प करता है, बिल्कुल करेक्ट। मस्क्यूलर लेयर इन द बॉडी वॉल ऑफ द अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ ओनली सर्क्यूलर मसल, गलत। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी प्रेजेंट होती है। और इस बार जो नीट 21 का पेपर हुआ था इसमें क्वेश्चन आया था टाइफ्लोसोल्स पे कि ये पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन होते हैं अर्थवर्म के, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेफ्रीडिया जो है अर्थवर्म में, ये सिमिलर है ना स्ट्रक्चर में, और तीन टाइप के नेफ्रीडिया होते हैं। तीनों का नाम बता दो कि कौन कौन से टाइप के नेफ्रीडिया जो है प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये बताना है हमको। तो नेफ्रीडिया जो है तीन टाइप के होते हैं उनके लोकेशन के बेस पे। एक होता है सेप्टल नेफ्रीडिया, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है, इंटर सेगमेंटल सेप्टा के। फेरेंजियल नेफ्रीडिया कहाँ पे होगा? फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेगमेंट में। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया कहाँ होगा? बॉडी वॉल में, यानी कि इंटेग्यूमेंट्स में। ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सेप्टल नेफ्रीडिया 80 to 100 हो सकते हैं, ठीक है, और इंटेग्यूमेंट्री वाले तो 200 to 250 हो सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ, साइंटिफिक नेम बताना है। टाइगर का होता है पैंथरा टिग्रिस, पिकॉक का होता है पेवो क्रिस्टेसिस, एंड हाउस फ्लाई का होता है मस्क्वा डोमेस्टिका। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स को कंप्लीट कीजिए। कॉकरोच में ग्राइंडिंग ऑफ फूड मटेरियल किसकी मदद से होता है? तो इट इज़ बाय गिजार्ड, गिजार्ड की मदद से होता है। मालफीजेंट ट्यूब्यूल किसको रिमूव करने में मदद करते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में मदद करते हैं। कॉकरोच की जो हाइंड गट है उसके क्या क्या पार्ट है? इट इज़ ईलियम, कोलोन एंड रेक्टम एंड एनस। फिर कॉकरोच का जो ब्लड वेसल है वो क्या होता है बेटा? ओपन होता है एक स्पेस में। इस स्पेस को क्या बोला जाता है? इस स्पेस को हीमोसील बोला जाता है। बेटा सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे लगता है ये तो बहुत इजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना इस चैप्टर की। अब अगली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कौन सी करने वाले हैं बेटा? अगली करने वाले हैं सेल, ठीक है। और अपन एक दिन में अगर एक करेंगे तो हम धीरे धीरे हो जाएंगे थोड़े से, तो मुझे लगता है कि हमको एक दिन में दो करना स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि एग्जाम के पहले हम अच्छे से कंप्लीट कर लें इसको, है ना। तो तुम मुझे एक बात बताओ जरा कि रेडी हो ना एक दिन में दो करने के लिए? जनता बताइए। मेंशन स्पेशल फीचर्स ऑफ द आई इन द कॉकरोच। कॉकरोच की जो आई होती है वो कैसी होती है? कंपाउंड आईज होती है, है ना। और कहाँ पर सिचुएटेड होती है? डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड पर सिचुएटेड होती है। हर आँख में 2000 हेक्सागोनल ओमेटीडिया प्रेजेंट होते हैं। इनका जो रिजोल्यूशन होता है, क्लैरिटी, ये कम होती है, लेकिन सेंसिटिविटी जो है दूर से चीज़ों को देख लेना वो बहुत हाई होती है। फ्रॉग क्या है? पॉइकिलोथर्म है। पॉइकिलोथर्म्स क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मतलब जैसे जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होता रहेगा एनवायरनमेंट का, ये अपना टेम्परेचर भी चेंज कर लेंगे। इनके पास
कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर बनाने की कैपेसिटी नहीं है। तो फ्रॉग क्या हो गया जी, पोइकिलोथर्म। और क्या करता है ये, कैमोफ्लॉज करता है। कैमोफ्लॉज का क्या मतलब होता है, बैकग्राउंड जैसा कलर बना लेता है। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन मतलब अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को गर्मी में और ठंडी में कम कर लेता है इन ऑर्डर टू सेव द एनर्जी। तो एस्टिवेशन इज समर स्लीप, हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को बचाने के लिए ऐसा करता है, कैमोफ्लॉज अपने आप को बचाने के लिए या शिकार करने के लिए करता है। चलो क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन, फंक्शंस बताने हैं आपको कि क्या क्या फंक्शंस हैं। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, तो जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, फ्रॉग वगैरह में प्रेजेंट होती है जैसे, तो प्रोटेक्ट करने के लिए आइस को, है ना, आइस को प्रोटेक्ट करके रखेगी आईलिड्स, है ना, थर्ड आईलिड की तरह काम करती है आइस को वाटर से। टिम्पैनम क्या होता है, सुनने में मदद करता है, साउंड वेव्स को सुनेगा। कॉपुलेटरी पैड क्या होता है, तो मेल फ्रॉग में कॉपुलेटरी पैड होता है फोर लिम्स में, जो फीमेल को पकड़ने में मेटिंग के टाइम हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो कौन सी एपिथीलिया होती है, क्यूबॉइडल, कॉलमनर भी हो सकती है। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग कौन बनाता है, हमेशा स्ट्रेटिफाइड मल्टी लेयर्ड। लिंकिंग और सपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन देता है, कनेक्टिव टिश्यू देता है। ठीक है, इट इज़ बाय द कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट पे आ जाओ, फॉल्स एंड ट्रू सेगमेंटेशन के बारे में बताओ। जब कोई भी एनिमल की बॉडी है एक्सटर्नली यानी कि बाहर से और इंटरनली अंदर से डिवाइडेड है, और सम ऑर्गन्स का सीरियल रिपीटेशन है, इसे हम ट्रू सेगमेंटेशन यानी कि मेटामेरिज्म बोलते हैं। जैसे कि किस में दिखता है, जैसे कि अर्थवॉर्म में दिखता है, आर्थोपोड्स में, एनालीड्स में दिखता है, ठीक है, कॉर्डेट्स में दिखता है। लेकिन सूडो बॉडी सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, कि बाहर से है, है ना, फॉल्स, अंदर से नहीं है, ना कोई रिपीटेशन है। ये किस में दिखता है, ये टेप वॉर्म में दिखता है, यानी कि प्लेटी हेलमेंथिस में दिखता है। चलो हार्ट में जो टिश्यू प्रेजेंट है उसके बारे में स्पेशल क्या है। सबसे पहले तो हार्ट में चारों टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एपिथीलियल, कार्डियक, और मतलब एपिथीलियल, मस्कुलर, नर्वस और कनेक्टिव सभी। दूसरी बात, जो हार्ट में मसल्स होती है वो कार्डियक मसल्स होती हैं, वो कभी फटीग नहीं होता है। इन वॉलेंट्री मसल्स जो हैं बिल्कुल प्रेजेंट होती है इसमें। इसमें इंटरकेलेटेड डिस्क मिलती है जो वेव को, हार्ट बीट की जो वेव होती है उसे ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगी। चलो टिश्यू का क्या पूछा है, क्लासिफिकेशन पूछा है। अच्छा, तो देखो एपिथीलियल टिश्यू दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। सिंपल मतलब एक लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। अब जब एक लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं और ये सेल अगर चपटे चपटे, पतले पतले, थिन फ्लैट होते हैं, उसे स्क्वैमस बोलते हैं। अगर ये क्यूब शेप के होते हैं इसे क्यूबॉइडल बोलते हैं, और अगर ये लंबे लंबे होते हैं इन्हें कॉलमनर बोलते हैं। कंपाउंड मतलब मल्टीपल लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी, इसके भी अलग अलग शेप हो सकते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अरे एंजाइना पेक्टोरिस, लॉन्ग आंसर पे आ जाओ बेटा, शिट्टी। चलिए कॉमन फीचर बता दो कनेक्टिव टिश्यू के। तो कनेक्टिव टिश्यू बाइंडिंग में, कनेक्शन में, सपोर्ट में, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू रीजनरेट कर सकते हैं और बन सकते हैं। दूसरे पे आ जाओ कि ये क्या करते हैं, इनमें फाइबर, सेल और मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है बोन और कार्टिलेज में डिफरेंसेस बताइए। बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस होता है, बोन होती है कड़क, फर्म, ब्रिटल, हार्ड, रिजिड। कार्टिलेज होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट, इलास्टिक। बोन कैल्शियम सॉल्ट्स का बना है, कार्टिलेज कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स का बना है, ठीक है। फिर इसके पास खुद का ब्लड सप्लाई होता है बोन के पास, कार्टिलेज के पास नहीं होता है। इसमें ओसीन जो प्रोटीन है, इसमें कॉन्ड्राइटिन प्रेजेंट है। अब क्या पूछ रहे हैं, गैमेटिक एक्सचेंज अर्थवॉर्म में कैसे होता है, अर्थवॉर्म अपने गैमीट को कैसे एक्सचेंज करता है।
तो अर्थ वॉर्म होता हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, क्रॉस, भले ही एक ही बॉडी के अंदर मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन है, लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, क्रॉस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. दो अर्थवॉर्म पास में आते हैं, वेंट्रली अटैच होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में. कॉपुलेशन में क्या होगा, मेल जेनाइटल पोर जो होता है पेपिला, वो इंसर्ट होता है इनटू द स्पर्मथीकल पोर दूसरे अर्थवॉर्म के. तो ऐसे अर्थवॉर्म म्यूचुअली क्लोज आते हैं, सीटे को पेनिट्रेट करते हैं एक दूसरे की बॉडी में, स्पर्म और प्रोस्टैटिक फ्लूइड को एक्सचेंज करते हैं, और स्पर्मथीकल पोर में स्पर्मथीका रहता है. और क्या होगा, एक आर तक ये ऐसे ही रहता है, फिर स्पर्म और एग पास हो जाते हैं कुकून में, जो कौन सिक्रीट करता है, क्लिटेलर ग्लैंड, जो कि 14th to 16th सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म में प्रेजेंट है. अब आ जाओ जरा कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम पे. कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट. जो भी माउथ का पार्ट है जहाँ से वो खाना अंदर लेता है, या जो ईसोफेगस है जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, और जो क्रॉप है जिसके अंदर टेम्परेरली खाना स्टोर होता है, ठीक है, ये सब आते हैं फोरगट में. फिर मिडगट में क्या क्या आता है बेटा, तो मिडगट में यहाँ से आना शुरू हो जाता है. फोरगट और मिडगट के बीच में हिपैटिक सीके होते हैं, जो डाइजेशन में डाइजेस्टिव जूस वगैरह में हेल्प करते हैं. गिजार्ड क्या करेगा, क्रशिंग और ग्राइंडिंग कर देगा फूड की, ये रहा मिडगट. फिर आखिरी आता है हाइंडगट, जिसके पहले मालफीजन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करने में मदद करते हैं. ईलियम, कोलोन और रेक्टम प्रेजेंट होते हैं हाइंडगट में, और फिर ख़त्म हो जाती है एनस के साथ. आखिरी क्वेश्चन है, नीट और वेल डेवलप्ड लेबल्ड डायग्राम बना दो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग. तो ये फ्रॉग का डायग्राम है जो एनसीईआरटी का है, ठीक है. इस तरीके से हमने पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट करी है. इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी. टेलीग्राम चैनल का नाम है नीट बायोलॉजी विद डॉक्टर प्रणाली. और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब इट, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपको टाइम पर अपडेटेड और जल्दी से मिल जाए, ठीक है. अब अगला चैप्टर हम करेंगे सेल की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. कमेंट करना मत भूलना NE7. आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 7 था. बहुत बच्चे ये स्ट्रीक बना रहे हैं, बनाते चलो बेटा, ठीक है. चलिए, हो गया क्या सेशन. अद्रजा, रणवीर, नितिन, कशिश, सानिका, ब्लू स्काई, अनुराधा, साहिनी, कल्पना, विद्या, दीपक, सलोनी, स्वप्निल, आरोही, कनिका, प्रशांत, कोमल, शिवांगी. चलिए बेटा, टाटा, बाय बाय. बिल्कुल अब सेशन को शेयर कर दो, सबको बोल दो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 7 कंप्लीट करें. आई विल